धर्मनगरी चित्रकूट ना सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि भगवान राम से जुड़ी हुई कई यादों को समेटे हुए है। इसके अलावा एक और आकर्षण चित्रकूट का है कि चित्रकूट अपने आप में कई प्राकृतिक संपदा को समेटे हुए है। प्रकृति का असीम सौंदर्य चित्रकूट में समाहित है और इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूट को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने और लोगों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। धर्मनगरी चित्रकूट का अपना एक अलग पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इतना ही नहीं, चित्रकूट में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वैसे तो चित्रकूट राम की कर्म स्थली के रूप में विश्व विख्यात है, लेकिन यहाँ कई ऐसे मनोहर स्थान हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों का जीवन प्रकृति की गोद में खेल रहा हो। इतना ही नहीं, चित्रकूट में कई विशाल और सुंदर कुंड भी हैं जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। सबरी जलप्रपात है यहाँ पे और मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे और हम लोग इसको डॉक्यूमेंट करके ज़्यादा तरफ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट को यहाँ पे ले आएँ ताकि चित्रकूट के जो नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में सबको जानकारी हो। इस अलौकिक नजारे को दुनिया के सामने लाने के लिए जिला प्रशासन भी काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनुज ने जिलाधिकारी विशाख से बात की, जिसमें जिलाधिकारी ने धर्मनगरी चित्रकूट में पर्यटन को और बढ़ावा देने की बात कही। डीएम साहब ने बताया कि कभी डकैतों के नाम से मशहूर इस क्षेत्र में अब प्रशासन एक पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये प्राकृतिक स्थल है जो कि धरती पर इसकी उत्पत्ति के साथ से ही है। लाखों साल करोड़ों साल से प्रपात यहाँ पर इस रूप में होगा, थोड़ा बहुत इसने रूप बदला होगा। समय के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो हरियाली है या सुंदरता है इसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है, मौसम के साथ अंतर आता है। और जहाँ तक सभ्यता की बात है तो सभ्यता समय समय पर अपने रूप में बदलती रही है और आज की तारीख में धीरे धीरे पर्यटन इस दुर्गम क्षेत्र में आने लगे हैं और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी यहाँ आते हैं आनंद का अनुभव करें, अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें और जो प्रदेश का और क्षेत्र का वातावरण बदला है, सुरक्षा परिदृश्य बदला है, इसका अनुभव स्वयं करें। अगर आप भी प्रकृति के आंगन में जाने का शौक रखते हैं तो एक बार चित्रकूट के शबरी प्रताप जरूर जाएं और प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद लें। बहरहाल अब देखना यह है कि प्रशासन धर्मनगरी चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाता है। आने वाले समय में इस क्षेत्र का और विकास होगा और खास तौर पे इस सबरी जलप्रपात का आने वाले समय में प्रशासन के सहयोग से और विकास करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आज सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरा प्रशासन चित्रकूट धाम मंडल का यहाँ पे आया घूमने और अब लोगों को आशा जगने लगी है कि इस क्षेत्र में काफी कुछ बदल सकता है। हिंदी खबर के लिए अनुज हनमत की रिपोर्ट।